हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका अपने रेमेल परमार। स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार सर। दोस्तों आज का अपना प्रश्न है, 300 और 700 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 5, 6 और 8 से पूर्ण विभाजित होगी। अब दोस्तों 5, 6, 8 से पूर्ण विभाजित होने का मतलब है कि अपनों को 5, देखो 5, 6 और 8 का अपनों को क्या लेना, एलसीएम लेना। ठीक है, इसका अपनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए अगर पहले 2 से लगाते हैं तो 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से लगाते हैं तो 5 ऐसे रहेगा, 3 रहेगा, 3 2 2 4, फिर 2 से लगाते हैं यहाँ 1 आ जाएगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 5 से लगाते हैं 1, 3 बचेगा, 3 से लगाते हैं तो 1। इनका मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, 4 तरी 12, यानी कि 120। एलसीएम अपना कितना आता है, 120 आता है। इसे 120 को देखिए, ये 300 है और ये है 700 है, यहाँ पर 120 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 120 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसका इसमें भाग लगाएंगे, 120 का अगर भाग लगाएंगे 300 में कितनी बार जाएगा, देखिए सिपर से सिपर तो काट दीजिए और 12 दूने 24, दो बार यहां जाएगा। ठीक है, दो बार यहां पे जाएगा और यहाँ पे अगर सिपर से बार तुम चौ बार 36 बार 48 बार 60, 5 बार यहाँ जाएगा, इसके बीच में कितना जाएगा 60। तो इन दोनों बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, 3 संख्या ऐसी है। कितनी संख्या है, 3 संख्या ऐसी है। 300 और 700 के बीच केवल 3 संख्या ऐसी है जो 5 से भी भाग जाएगी, 6 से भी जाएगी और 8 से भी जाएगी। ठीक है, केवल 3 संख्या ऐसी है जो 5 से 6 से और 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।